तो कैसे हैं सब? आई होप कि एवरीवन इज डूइंग वेल। तो इंट्रो दे देते हैं। वेलकम 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 टू द मर्डर पंडित्स। दोस्तों, आप लोग होपफुली सब ठीक कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि एक ब्रेकिंग न्यूज़ है तो वो मैं आपको ब्रेकआउट कर दूंगा। एंड सेकेंड, इट इज गोइंग टू बी अबाउट चैंपियंस लीग। यार, जो कमेटी है ना चैंपियंस लीग की, उनके कभी मतलब डिसीजन सुन के जो मूड खराब होता है ना, मतलब एज अ पर्सन हु एंजॉयज फुटबॉल अलॉट, नॉट जस्ट मी, बहुत लोग हैं जो भी उनकी बातें सुनते हैं ना, उनको बहुत बुरा लगने लग गया है। यार, जो नया फॉर्मेट दे आर ट्राइंग टू प्रेजेंट फॉर दिस कॉम्पिटिशन, जिसकी लेगेसी इतनी बड़ी है, इस ट्रूली बॉन्कर्स। मतलब अपन लोगों की अंडरस्टैंडिंग से बहुत परे है। हम लोग सोचते हैं कि एक चीज़ ऐसी होगी, वैसी होगी, ये होगा, वो होगा। आइडिया कभी रिकैप्चुलेट होके नहीं आता। इट इज ऑलवेज अबाउट मेकिंग मनी। इट इज ऑलवेज अबाउट क्रिएटिंग मोर फंड्स फॉर द कमिटी इटसेल्फ रादर देन द टीम्स। लाइक अभी के मॉडल में दे आर सजेस्टिंग कि 51% जो राइट्स होंगे वो जो यूएफा की कमेटी है वो रखेगी, एंड कंपटीशन में ले जाएंगे, एंड 49% टीम को। यार, इतने पैसे का तुम लोग करोगे क्या? इससे तुम्हारा क्या फायदा, इससे मेरा क्या फायदा वाली बात है। लाइक दे हैव नो शेम, दे एब्सोल्युटली हैव नो शेम। दे हैव बीन डूइंग दिस फॉर द पास्ट 6-7 years एंड इट इज कंटिन्यूइंग टू डू सो। सो अगर शेम ही नहीं है तो वॉट डू यू एक्सपेक्ट कमिंग आउट ऑफ इट? मतलब ऐसे ही चलता रहा तो आगे जाके और चीज़ें खराब हो जाएंगी। टीम्स विल बी चैलेंज्ड ऑन अ स्केल दे शुडन बी चैलेंज्ड ऑन। अ लॉट ऑफ थिंग्स विल गो साउथ। इवन द आइडियाज एंड आइडियल्स विल नॉट फॉल इन द करेक्ट डायरेक्शन। लोग बोल रहे थे यूएफए सुपर लीग गलत है, जो सुपर लीग का सॉरी सुपर लीग गलत है, जो यूरोपियन सुपर लीग आने वाला था। ये चैंपियंस लीग थोड़ा ना अच्छा है, इसमें क्या अच्छी बात है? मतलब अगर मेरे से आप पूछो तो इसमें भी कोई ज़्यादा मतलब अच्छी चीज़ है नहीं देखने लायक। मतलब ये भी प्लेयर्स को फोर्स कर रहा है एक्स्ट्रा मैचेस खेलने के लिए। अभी एज ऑफ नाउ 10 मैचेस एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 10 मैचेस एक्स्ट्रा, दैट इज 70+ मैचेस खेलेंगी कुछ टीम्स, अगर वो सारे कॉम्पिटिशन्स में होल्ड करना चाह रही हैं। क्या ये सही है? क्या ये मॉरल ग्राउंड्स पे सही है कि आप प्लेयर्स को इतना इन्फ्यूरिएट कर दो, इतना ज़्यादा उनके ऊपर स्टर्न डाल दो कि वो थके ही रहे? टायर्डनेस भी एक फैक्टर होता है, फटीग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अ प्लेयर्स डेवलपमेंट, बट वो समझ नहीं आ रहा ना इन्हें। इनको तो चाहिए कि अपनी मर्जी से जो चल रहा है चलने दो, इफ इट गोस वेल लेट इट गो, इफ इट डजेंट गेट द फक आउट। तो ऐसी चीज़ है ना, मतलब कभी कभी आप लोगों को बड़ा गुस्सा आता है ऐसी चीज़ों पे, एंड यू टेंड टू फील समथिंग इज नॉट राइट। क्या कह सकते हैं? और हाँ, फाइनल चीज़ कि हम दो टीम्स ऐसी रखेंगे जो बेस्ड ऑन लेगेसी आएगी। लेगेसी, दैट इज अ पिटी वोट। लेगेसी, जस्ट बिकॉज द टीम कुडन क्वालिफाई फॉर द स्पॉट्स, दे आर कमिंग इन बिकॉज ऑफ लेगेसी। वॉट इज दिस? इज लेगेसी अ मेजर फैक्टर इन डिफाइनिंग अ टीम राइट नाउ? अ टीम माइट बी गुड इन पास्ट बट इट्स नॉट नाउ, तो दैट डजेंट मीन कि उनकी लेगेसी के कारण आप डाल दो उनको कॉम्पिटिशन में। खोलेंगे तो वो कॉम्पिटिशन में भी, आई डोंट नो यार क्या बोलना चाहिए। एज अ फुटबॉल फैन मेरे को कभी कभी समझ नहीं आता, ये साले बस पैसा कमाने आते हैं। ये लोग पेरेस को बोल रहे थे कि उसने गलत किया, कि सालो तुमने कौन सा बढ़िया कर दिया? तुम सुपर लीग की ब्रांडिंग हटा के सुपर लीग प्रोड्यूस कर रहे हो, तुमसे बुरा कुछ नहीं हो सकता। एंड आई होप ये बात लोगों तक पहुंचे। तो आई वॉन्ट एवरी वन इन द कमेंट सेक्शन टू है कि वी स्टैंड अगेंस्ट यूएफए, लेट द कॉम्पिटिशन कंटिन्यू करके हैशटैग कंटिन्यू करें, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग फुटबॉल फैंस ऐसी चीज़ें फॉलो हैं। यार, हमने सुपर लीग रोक दिया था, हम इनको भी रोक सकते हैं। आप लोग प्लेयर्स को
टॉर्चर नहीं कर सकते एंड अपनी मर्जी से पैसा नहीं छाप सकते, और अगर कोई दूसरा छाप रहा है उसको गलत भी नहीं कह सकते। सो ग्रो अप यूएफआ। चलो उससे हटके अभी एक ऐसी न्यूज़ है जो थोड़े मतलब बारसा फैंस को काफ़ी हर्ट करेगी, इन जनरल लालीगा फैंस को काफ़ी हर्ट करेगी, दैट इज़ फ्रेंकी डियोंग का ट्रांसफ़र। आज न्यूज़ आती है जेरार्ड रोमेरो से कि बार्सिलोना से फ्रेंकी डियोंग जाएगा 95%, दैट इज़ कि ऑलमोस्ट ट्रांसफ़र इज़ डन। एरिक टेन हैग की साइड वो ज्वाइन करेगा फॉर अराउंड 85 to 90, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, तो ऐसा नंबर के साथ वो ज्वाइन करेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट हियर, इवन दो आई एम नॉट अ बार्सिलोना फैन कतई, क्योंकि आई एम लाइक अल्ट्रा रियल मैड्रिड फैन, बट स्टिल अ लॉस लाइक फ्रेंकी डियोंग इज़ नॉट अ लॉस फॉर बार्सिलोना ओनली, इट्स अ लॉस फॉर द लीग एज वेल। यू आर लूजिंग वन ऑफ द बेस्ट यंग टैलेंट ऑफ द लीग, 23 या 24 साल का है फ्रेंकी डियोंग, ही इज नॉट दैट ओल्ड। मतलब एंड पर्सनली वॉट आई नो, क्योंकि आई हैव बार्सिलोना में फ्रेंड्स, आई हैव पीपल वॉचिंग मी हु सपोर्ट बार्सिलोना एंड हु हैव बीन देयर। मतलब जैसे मेरा एक दोस्त कह रहा था कि उसने जब ये सुना ना, कि कह रहा था कि यार कुछ भी हो जाए ना डियोंग मत भेजना, ही विल रूल द मिडफील्ड, और अगर वो गया ना इट विल ब्रेक बहुत सारे बार्सा फैंस। मतलब आई समवेयर डाउन द लाइन एग्री। अब मैं इस पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप चलो 80 मिलियन आपने कमा लिया क्योंकि चूतिया क्लब है यूनाइटेड, उस केस में एज अ यूनाइटेड फैन आई शुडंट से दिस, बट उनका बिजनेस मतलब जो उन्होंने चादर पहन रखी है ना कि हमने घटिया ट्रांसफ़र करने एंड ऑल, उस केस में तो यू नो यू कैन मेक मनी आउट ऑफ यूनाइटेड ऑफकोर्स, तो उधर से तो पैसा आ रहा है एग्रीड, बट आप इन्वेस्ट कहाँ करोगे, री इन्वेस्ट कहाँ करोगे? मतलब आप डियोंग को जाने दे रहे हो यार, आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या गलत है बार्सिलोना की उसमें। एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट, अगर जेरार्ड रोमेरो कर रहा है ना ऐसा कुछ रिपोर्ट, दैट मीन्स कि देर इज वेटेज इन दिस ट्रांसफर एंड इट्स हाईली पॉसिबल। एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट, फ्रेंकी डियोंग इज वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स हु शुडंट लीव द लीग, बिकॉज उसका मतलब यार ही वॉज द फ्यूचर ऑफ बार्सिलोना, आई बी वेरी ऑनेस्ट एंड मोर देन आई थिंक आई एम डिसअपॉइंटेड इन द बार्सा कमिटी, वाई द फक आर दे सेलिंग समवन लाइक अ फ्रेंकी डियोंग? मतलब आपका प्लान क्या है, वट इज़ योर प्लान ऑफ एक्शन एंड ऑल? तो ऐसे नहीं चलती चीज़ें, एवरी थिंग डजेंट वर्क द वे यू वॉन्टेड टू वर्क, राइट? दुनिया अपने उस पर चलाने लग गए तो फिर दुनिया बहुत ही आगे बढ़ जाएगी, राइट? ऐसी वाली चीज़ों में ग्रो अप बार्सिलोना। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट हियर, डियोंग का ट्रांसफ़र यप यूनाइटेड के लिए तो इट विल बी अ वेरी गुड ट्रांसफ़र, क्योंकि यू आर गेटिंग इफ नॉट द बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड, एंड डियोंग वर्सेटाइल भी बहुत है। एंड वैन डे वीक और डियोंग अंडर टेन हाग जब आयाक्स में खेले थे दे वर डैम गुड, तो यार देखने में मज़ा आएगा इनको। बट अगर इफ आई एम स्पीकिंग एज अ लालीगा फैन, आई बी डिसअपॉइंटेड इन बार्सिलोना फॉर सेलिंग अ प्लेयर लाइक फ्रेंकी डियोंग, बिकॉज आई माई सेल्फ रिस्पेक्ट फ्रेंकी डियोंग एज अ प्लेयर अलॉट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड हाला मदरी वीना द मास, टेक केयर, मास्क अप, कोविड आ रहा है, बच के रहना, बाय।